हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.4 क्वाड्रिलेटरल्स। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 13.1, 13.2 और 13.3 को ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, एक ट्रायंगल आपको गिवन है एबीसी, ओके। उसके आगे क्या बोला गया है, डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी सीए एंड एबी, ओके। तो आपको यहां पर कुछ मिड पॉइंट गिवन है, कौन कौन से, डी ई एंड एफ, ओके। साइड कौन कौन सी है, बीसी का मिड पॉइंट होगा डी, ओके। बीसी का मिड पॉइंट होगा डी, CA का मिड पॉइंट होगा E, ओके। ये आपका मिड पॉइंट है। उसके बाद AB का मिड पॉइंट होगा F, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये चीजें मेंशन करनी है। इसके बाद बोला गया है बच्चों, इफ द लेंथ ऑफ साइड AB, BC एंड CA आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, तो सिंपली जो आपका ट्रायंगल है ABC, ओके, तो इसके अंदर आपकी तीन साइड है AB, BC और CA। तीनों का मेजरमेंट आपको गिवन है, कितना कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। तो बच्चों, लास्ट में आपसे पूछा है फाइंड द पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। तो देखिए बच्चों, यहां पर आपके जो मिड पॉइंट है DE एंड F, इन तीनों को हमने ज्वाइन कर लिया और आपके पास ट्रायंगल बन के आ गया DEF। अब आपको निकालना है पेरिमीटर। अब पेरिमीटर का क्या मतलब होता है कि आपको इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स का सम निकालना है, ठीक है। आपको तीनों साइड का सम निकालना है, इसका मतलब है आपको तीनों साइड की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, है ना। उसके बाद ही आप क्या निकाल पाओगे, पेरिमीटर। तो बच्चों, हम यहां पर लिख लेते हैं कि आपको फाइंड करना है पेरिमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ओके। तो क्या होगा पेरिमीटर बच्चों, साइड्स को ऐड कर लेंगे, DE प्लस ई एफ प्लस डी एफ, ओके। तो यही आपको फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। देखिए, आपको यहां पर हिंट गिवन है, ये आपका दूसरा हिंट है, ओके। अब पूछोगे कि सर पहला हिंट कौन सा है, तो बच्चों पहली लाइन में पहला हिंट आपको गिवन है। पहला हिंट कौन सा है, ये आपका सेकेंड नंबर का हिंट है। तो सर पहला कौन सा है, पहला हो जाएगा बच्चों कि यहां पर देखिए डी ई एंड एफ, ठीक है। ये आपके क्या है बच्चों, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो यहां से आपके दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं आप मिड पॉइंट थ्योरम को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करोगे, ओके। तो बच्चों, आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी है ट्रायंगल एबीसी में, ओके। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, आप क्या लिखोगे कि एफ एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, बताइए जल्दी से, एफ किसका है बच्चों, एफ है आपका एबी का, ओके, एंड ई किसका है बच्चों, एसी का, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो कि जो आपका ई एफ है, ये जो लाइन है, ये आधी है किसकी, बीसी की, यानी कि ई एफ लाइन का ये डबल है। मेरी बात आ रही है समझ में, यही आपके मिड पॉइंट थ्योरम होती है। और आप ये भी बोल सकते हो कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगी बीसी के, ठीक है, लेकिन उसका आपको यहां पर काम नहीं है, हमें सिर्फ ये वाली कंडीशन यहां पर यूज करनी है। EF जो है वो आपकी क्या है, हाफ है किसकी, BC की, ओके। तो बच्चों, इन द सेम मैनर जिस तरीके से हमने F और E पॉइंट को लेकर हमने यहां पर ये कंडीशन लिख दी है, उसी तरीके से आपको दूसरी बार में D और F पॉइंट को लेकर करना है। उसके बाद
डी और ई पॉइंट को लेकर करना है। ओके, अगर मैं यहां पर इस पॉइंट को लेता हूं, ठीक है, डी एंड एफ, ओके, डी एंड एफ आपके अगर मिड पॉइंट है, किस किस के हैं बच्चों? डी किसका है आपका? बीसी का, एंड एफ किसका है? एबी का। ओके, तो इस केस में आपके पास आ जाएगा डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ओके, यही तो होगा कि जो आपका डी एफ है, ठीक है, वो पैरेलल होगा ए सी लाइन का और साथ में हाफ भी होगा, आधा भी होगा ए सी का। ओके, इसी बात को हमने यहां पर लिख दिया है। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से आपको थर्ड कंडीशन को भी लिखना है, डी और ई मिड पॉइंट को लेकर। ओके, तो हम यहां पर लिख देते हैं डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, देखिए डी मिड पॉइंट है आपका बीसी का एंड ई मिड पॉइंट है आपका एसी का। ओके, तो आप क्या बोल सकते हो बच्चों कि जो डी ई लाइन है वो आपकी हाफ होगी एबी के। ओके, और डी ई जो लाइन है वो आपकी पैरेलल भी होगी एबी लाइन के, लेकिन उसको हमको यहां पर यूज नहीं करना है। हमें क्या यूज करना है? आपको लिखना है डी ई, ये जो लाइन है वो हाफ है किसके? एबी के। ओके, तो बच्चों यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, हमने क्या किया, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से ट्रायंगल डी ई एफ के अंदर ई एफ का वैल्यू फाइंड कर लिया, डी एफ का वैल्यू फाइंड कर लिया और डी का वैल्यू फाइंड कर लिया। आपको निकालना क्या है? डी ई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ई एफ का वैल्यू पता होना चाहिए और डी एफ का वैल्यू मालूम होना चाहिए, और सबका वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है। क्या आपको बी सी का वैल्यू मालूम है? क्या आपको ए सी का वैल्यू पता है? क्या आपको ए बी का वैल्यू पता है? आप बोलोगे यस सर। हिंट टू, देखो ये काम आया ना आपको। तो बच्चों इस तरीके से आपको हिंट्स को यूज करना है। ओके, तो चलिए अब यहां पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं। डी ई का वैल्यू देखिए हाफ ऑफ ए बी। ओके, आप लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी प्लस ई एफ का वैल्यू बताइए जल्दी से, हाफ ऑफ बी सी प्लस डी एफ, डी एफ का वैल्यू हाफ ऑफ ए सी। ओके, अब आप यहां पर ए बी बी सी और ए सी का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ओके, यहां से हाफ ऑफ ए बी, ए बी का हाफ, ओके, इंटू सेवन प्लस वन बाई टू इंटू बी सी, बी सी कितना है बच्चों? एट। ओके, उसके बाद प्लस हाफ ऑफ ए सी, ए सी का वैल्यू बताइए, नाइन। ओके, हाफ ऑफ ये आपका नाइन हो गया, ठीक है। इसके बाद सेवन का हाफ करेंगे तो बच्चों कितना होगा? 3.5 प्लस एट का हाफ कर दीजिए 4 प्लस 9 का हाफ कर दीजिए 4.5। ओके, इन सबको ऐड कर लीजिए, कितना होगा बच्चों? 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 3 इज 11, देन प्लस 1 दैट मींस 12 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। बच्चों अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। आपको एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर एंगल्स का वैल्यू आपको गिवन है। एंगल ए का वैल्यू है 50 डिग्री, आप यहां पर मेंशन कर देंगे ये है आपका 50 डिग्री। ओके, एंगल बी का वैल्यू है 60 डिग्री। ओके, एंगल सी का वैल्यू है 70 डिग्री। इसके बाद बोला गया है फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल। देखिए आपको मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। अब मान लीजिए ये हमारे तीन मिड पॉइंट हैं। ओके, एक ये है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। ये आपका मान लीजिए डी है, ये आपका एफ है और ये आपका ई है। ओके, तीनों को हमने ज्वाइन कर दिया है। ओके, अब ये बन चुका है आपका ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, अब इस ट्रायंगल के अंदर ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, तीन एंगल बनेंगे, इनका वैल्यू आपको फाइंड करना है। मेरी बात आ रही है समझ में? मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपके पास ट्रायंगल बन चुका है,
ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल है, तीनों एंगल्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो चलिए बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की। ट्रायंगल एबीसी में आपको यूज करना है मिड पॉइंट थ्योरम। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज किया था उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन में भी यूज करना है, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से इन सभी कोऑर्डिनेटर्स को हमें पैरेललोग्राम प्रूव करना है। क्यों करना है, देखिए आपका सबसे पहले कोऑर्डिनेटर है DECF, आप यहां पर देखिए DECF, ओके। दूसरा है BEFD, ओके BEFD। तीसरा कौन सा है, ADEF, आपका ये बनता है ADEF, ओके। तो आपके पास तीन यहां पर कोऑर्डिनेटर है, पहला ये वाला, फिर दूसरा ये है और तीसरा ये वाला, ठीक है। तो बच्चों यहां पर मैं आपको समझा देता हूं कि कोऑर्डिनेटर DECF को अगर मैं पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दूं या प्रूव कर दूं तो किस तरीके से आप एंगल्स को निकाल पाओगे, ठीक है। देखिए ये आपका कोऑर्डिनेटर है DECF, यहां पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दूं मिड पॉइंट थ्योरम की मदद से, तो देखिए ये एंगल आपको गिवन है, ओके। अगर ये एंगल आपको गिवन है, इसका वैल्यू आपको गिवन है, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका वैल्यू 70 है तो इसका वैल्यू भी 70 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आपने एक कोऑर्डिनेटर को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया तो इन द सेम मैनर आप बोल सकते हो कि बाकी कोऑर्डिनेटर भी आपके पैरेललोग्राम में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप प्रूव कर दोगे तो आप बोल पाओगे, ठीक है, इन सभी एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर पाओगे, ठीक है। ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा, ये 70 है तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आप मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करोगे। तो बच्चों सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आपको लिखना है इन ट्रायंगल एबीसी, ओके, इसी ट्रायंगल के अंदर आपको एमपीटी थ्योरम को अप्लाई करना है जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई किया था, ओके। तो आप क्या लिखोगे, डी एंड ई, ओके, डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ, देखिए डी किसका है, ए बी का, एंड ई आपका मिड पॉइंट है बी सी का, ओके। तो सबसे पहला टास्क क्या है बच्चों, सबसे पहला टास्क आपका ये है कि जो आपके पास कोऑर्डिनेटर है DECF इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं एमपीटी थ्योरम, ठीक है। अब इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो, ये जो कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, इसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो आपका DE है ये आपका पैरेलल होगा AC के, ठीक है, और ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी क्या होगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में अप्लाई की थी, क्या होगी बच्चों जल्दी से बोलो, DE जो है वो आपकी इक्वल होगी हाफ ऑफ AC के। मेरी बात आ गई समझ में, ठीक है। तो ये दो आपके रूल होते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के। अब बच्चों जो सेकंड कंडीशन है आपकी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, क्या कुछ गुंजाइश है, यस अभी भी गुंजाइश है। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC का क्या मतलब होता है बच्चों, या तो आप लिख सकते हो AF या फिर आप लिख सकते हो FC, ओके। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे जल्दी से बताओ, क्योंकि हमें लेना है कोऑर्डिनेटर, ठीक है। तो आप लिखोगे CF, ठीक है, इस तरीके से। तो आपने प्रूव कर दिया कि जो DE है वो CF के बराबर है, ओके, जो DE है वो CF के बराबर है, और DE जो है वो आपका FC के पैरेलल होगा, क्योंकि DE जो है वो पैरेलल है AC के। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि जो आपका DE है वो भी आपका पैरेलल होगा FC के, ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में। और इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए ये दो कंडीशन काफी हैं, ठीक है। तो आप यहां पर अब बोल सकते हो, आप क्या बोलोगे, इन ए क्वाड्रिलेटरल DECF, क्या बोलोगे बच्चों, DE इज पैरेलल टू FC एंड DE इज इक्वल टू CF, ठीक है। तो इसका सिंपल सा मतलब है
कि आपका ये क्वाड्रिलेटरल बन चुका है पैरेललोग्राम। ओके, आप क्या लिखोगे? हेंस डीई सी एफ इज ए पैरेललोग्राम। ओके, तो आप यहां पर बोल सकते हो कि जो एंगल सी है वो किसके बराबर होगा? एंगल डी के। मेरी बात आ गई समझ में? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू इच अदर। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब हो गया कि जो एंगल सी है वो कितना है बच्चों? वो 70 डिग्री है, तो एंगल डी बी कितना होगा? 70 डिग्री। ओके, तो बच्चों इन द सेम मैनर आप बोल सकते हो कि ये जो बाकी के दो क्वाड्रिलेटरल हैं ये भी आपके क्या बन जाएंगे? पैरेललोग्राम। ओके, तो इसके हिसाब से आप क्या बोल सकते हो कि ये जो एंगल है आपका, ठीक है, एंगल बी, ये एंगल एफ के बराबर होगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ओके, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ होगा, और एंगल ए जो है वो आपका बराबर होगा एंगल ई के। ठीक है, तो एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री है, तो एंगल एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, ये 50 है तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे ये आपका 60 डिग्री हो गया और ये आपका देखिए 50 डिग्री। ओके, तो आपको सभी का वैल्यू मालूम चल गया, एंगल डी का, एंगल ई का और एंगल एफ का। तो बच्चों इस तरीके से आप एंगल्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। ओके, इन द सेम मैनर आप बी ई एफ डी और ए डी ई एफ इन सभी को पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं, और यही स्टेप आपको फॉलो करने हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरी हर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद आपको भी नहीं पता कि आपके एक शेयर से आप किसी की जिंदगी आसान कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आप शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।